रूप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन की जानिब से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है DON, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, मतलब हमारे लोड को डायरेक्ट लाइन के साथ कनेक्ट कर देना। DON ये 3-फेज मोटरों में यूज किया जाता है। 3-फेज की वो मोटरें जिनका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, मतलब उनका स्टार्टिंग एम्पीयर जो होता है वो कम होता है, और ये छोटी मोटरों में यूज किया जाता है, 0.75 एचपी, 1 एचपी, 1.5 एचपी, 2 एचपी वगैरह वगैरह। तो आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद है कि हम आपको DON की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दें, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका प्रैक्टिकल डेमो नेक्स्ट वीडियो में है, जिसका लिंक नीचे मैंने डाल दिया है। तो आज हम DON का स्मेटिक लाइन डायग्राम बनाएंगे। स्मेटिक लाइन डायग्राम का मतलब है सिंगल लाइन डायग्राम। शुरू करते हैं स्मेटिक लाइन डायग्राम। DON, DON, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सबसे पहले हमने सप्लाई सोर्स लेना है। ये है हमारे पास रेड, येलो, ब्लू, और ये है हमारा न्यूट्रल। अब हम जो DON बना रहे हैं, ये हम DON बना रहे हैं 220 VAC पे। हमारे पास जो कॉन्टैक्टर का क्वाइल वोल्टेज है वो है 220, मतलब सिंगल फेज। तो हम किसी भी फेज से हम पावर ले सकते हैं। उसके आगे हम एक ब्रेकर डालेंगे जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ब्रेकर, जिसको हम CB के नाम से लेते हैं, कंट्रोल ब्रेकर। ये हमने सप्लाई ले ली, ठीक है। यहां से सबसे पहले बटन पावर सप्लाई आएगी हमारी एक नॉर्मली क्लोज पुश बटन से, और ये हमारा ऑफ का बटन होगा। इसके बाद सप्लाई जाएगी हमारा नॉर्मली ओपन पे, नॉर्मली ओपन पुश बटन, और ये हमारा ऑन का बटन होगा। इसके बाद हम इसको सप्लाई देंगे नॉर्मली क्लोज, ये होगा हमारा NC, नॉर्मली क्लोज ओवर लोड। ओवरलोड हम इसमें जो यूज करेंगे, जो हमारी सेटिंग की होगी कि 5 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर, इससे अबव करेगी तो वो उसको सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगी, बंद करा देगी। तो ये उसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। तो नॉर्मली क्लोज पॉइंट लेने के बाद हम देंगे इसके कॉन्टैक्टर को, जिसको हम K इमेजिन कर लेते हैं, और ये हमारा A1 पॉइंट होगा और ये हमारा A2 पॉइंट होगा, और यहाँ हम इसको न्यूट्रल देंगे यहां से लेके। अब एक मरतबा पुश करने से सप्लाई की बहाली से ये होल्ड हो जाएगा, लेकिन छोड़ने से ये बंद हो जाएगा। तो हम इसकी ऑन की बैक साइड पे हम यहां एक नॉर्मली ओपन का पॉइंट लगा देते हैं, नॉर्मली ओपन, लेकिन ये के का नॉर्मली ओपन हम यहां पे यूज करेंगे। जिस टाइम इसमें सप्लाई की बहाली हो जाएगी तो ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने की वजह से सप्लाई का रास्ता ये चलता रहेगा। अगर ओवरलोड होता है तो ये ट्रिप करेगा तो भी बंद हो जाएगा, और हम मैनुअली इसको पुश करेंगे और ये पॉइंट्स ऑफ होने की वजह से ये बंद हो जाएगा। ये हमारा है, हमारा 220 वोल्ट का। लेकिन अगर हमारे पास 220 की जगह ये हमारा 220 वोल्ट क्वाइल है, लेकिन हमारे पास अगर 440 VAC की क्वाइल है, तो इसका फिर डायग्राम इस तरह होगा कि ये तो यही रहेगा सेम, बाकी सब सिस्टम सेम ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये हमारा ऑफ बटन होगा, इसके बाद ये हमारा ऑन बटन होगा, इसके बाद ये ओवरलोड की नॉर्मली क्लोज होगी, उसके बाद ये हमारा कॉन्टैक्टर होगा जिसको हमने K से जाहिर किया है, उसके बाद ये नीचे आएगा। इसका A1 है,
ए टू है। अब इसकी क्वाइल है 440 वीएसी, तो एक फेज तो यहां से मिल गया और दूसरा फेज हमने फिर इसको यहां से देना है और के की हमने यहां पे नॉर्मली ओपन डाल दी है, इसको हम एनओ कहेंगे जो के की है। तो अब ये जो है हमारा सर्किट 440 वोल्ट कॉइल पे है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। दूसरा कि ये हमारे पास सप्लाई के सोर्स हैं रेड येलो और ब्लू है, और ये हमारा एक कॉन्टैक्टर पड़ा है जिसके ये लोड पॉइंट है और ये इसके एक्सिलरी पॉइंट है और ये इसके कॉइल पॉइंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ओवरलोड डाल दी है, ये इसके लोड पॉइंट है, ओके, और ये इसके एक्सिलरी पॉइंट है। ये हमारा एक्सिलरी जो पॉइंट है ये है नॉर्मली ओपन का और ये है हमारा नॉर्मली क्लोज का, ओके। तो हमने ये ब्लू कनेक्ट किया, येलो कनेक्ट किया और ये रेड कनेक्ट कर दिया, ओके। इसके बाद ये हमने इसका लोड कनेक्ट कर दिए और इसके बाद हमारे पास ये एक मोटर है, इसके ये लोड पॉइंट है जो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर डेल्टा लोड भी हो सकता है, स्टार लोड भी हो सकता है, ओके, ये डिफरेंट कनेक्शन हो सकते हैं। तो अब हमने यहाँ से एक पावर ली है जो हम एक ब्रेकर में डाल रहे हैं, ठीक है। मैं ब्रेकर का सिंबल ऐसे बना देता हूँ। ब्रेकर के बाद ये हम दे रहे हैं उसका पुश बटन जो ऑफ का है, उसके बाद यही सप्लाई हमारी आ रही है पुश बटन जो ऑन का है, उसके बाद ये सप्लाई हमारी जाएगी ओवरलोड को, ओवरलोड से ये कॉइल में चली जाएगी, ओके। और ये हमारी, अगर हमारे पास सर्किट इसका कॉइल, इसका कॉइल है अगर हमारे पास 220, इट मीन 220 है तो यहाँ पे न्यूट्रल मिल जाएगा, लेकिन अगर है 440 380 तो यहाँ हमारा मिल जाएगा 440, या हमारा मिल जाएगा येलो या ब्लू में से कोई एक फेज दे सकते हैं, या येलो दे सकते हैं या ब्लू दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने ऑन बटन से, ये जो हमारा ऑन बटन था उसकी के एन ओ डाली हुई है हमने, तो ये हमने जनाबे वाला ये ऑन बटन की है, ये हमारी एन ओ है के की, तो ये हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे, ये। अब अगर हम इसको ब्रेकर ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ तक होती हुई यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब ये भी नॉर्मली ओपन है, ये भी ओपन है, ये ऑन का बटन होता है जो नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है। जब इसको हम पुश करेंगे तो सप्लाई ऐसे चलती हुई ओवरलोड से होती हुई इसमें चली जाएगी, ओके। जब बटन हम रिलीज कर देंगे, लेकिन सप्लाई का रास्ता ये नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा और यहाँ से चलता रहेगा। अब हमारी मोटर ओवरलोड होती है और ये हमारी सेटिंग एम्प से अप डाउन करती है, तो हमारा ये पॉइंट नॉर्मली जो क्लोज था ओपन हो जाएगा। ये पॉइंट ओपन होने की वजह से सप्लाई आगे नहीं जाएगी और ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और हमारी मोटर बंद हो जाएगी। ये है हमारा डायग्राम। अब इसकी डेमो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल मेरी नेक्स्ट वीडियो में पड़ा है, लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, आप उसमें देख के हमारा प्रैक्टिकल देख सकते हैं। उसको भी मैंने लिखा है DOL प्रैक्टिकल, उस नाम से पढ़ा है, आप उसको सर्च कर लें, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली मुफीद वीडियो आपको फ़ायदा दे और आप हमारे साथ कनेक्ट रहें।